हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है एवी कैट फैमिली में। आज का जो अपना टॉपिक है वो हैच के बारे में। हैच अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, पर अभी जो टॉपिक अपन देख रहे हैं वो हैच एसोसिएटिव एंड नॉन एसोसिएटिव। उसी के साथ अपन ओरिजिन जो है उसे सेट करना सीखेंगे। तो बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और एक कॉमनली मिस्टेक जो हैचेस में होती है उसको आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले अपन एक बार यूनिट सेट कर देते हैं। कोई भी ड्राइंग शुरू होने से पहले यूनिट जरूर सेट कर लेना चाहिए। तो यूनिट्स का जो शॉर्ट कमांड है वो है यूएन। यूएन एंटर दबाने के बाद आप देख सकते हैं नीचे यूनिट स्केल के बारे में मिलीमीटर्स, और प्रिसिशन जो है अपन 3 पॉइंट का करते हैं, और मिलीमीटर्स देने के बाद ओके दबाते हैं। इसके बाद हैच क्रिएट करने के लिए अपन उसको दो रेक्टेंगल्स जो है क्रिएट करते हैं। पिछले क्लास में अपन रेक्टेंगल के बारे में पढ़ चुके हैं। रेक्टेंगल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है REC, एंटर। REC दबाने के बाद एंटर दबाओगे तो रेक्टेंगल क्रिएट हो जाएगा। अब जो हैच है उस हैच को अपन लेते हैं। हैच को लेने के लिए हैच लिया, और NISI131 जो है इसको मैं लेता हूँ। और इसी टाइम पे देखिए एसोसिएटिव ऑफ, इस चाहे इसका जरूर ध्यान रखें। अभी देखिए पूरी जो अपन हैच कर चुके हैं, ये है कॉमनली जो प्रॉब्लम जो हैच में आती है, और लड़के बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आगे क्या करें। तो आगे देखिए हैच का जो है यहाँ पर 1 पॉइंट पर अपन सेट कर चुके हैं, और देखिए कि हैच बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अपन इसको 2 करते हैं, अभी भी वाइट है। ओके, तो अपन थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा के देखते हैं, 5 करके देखते हैं। अभी देखिए अभी भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं 0.1 लगा के देखता हूँ। अभी तक अपन पॉइंट नहीं था, पॉइंट नहीं था, और 5 पॉइंट लगा रहे थे। अभी 0.1 लगाता हूँ। अभी भी देखिए छोटी वैल्यू में भी नहीं आ रहा है, बड़ी वैल्यू में भी नहीं आ रहा। थोड़ी बड़ी वैल्यू देखते हैं, 20 देख के देखते हैं। अभी भी देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब अपन थोड़ा 50 देते हैं, देखिए कि बिल्कुल भी वैल्यू में दिखाई नहीं दे रहा है। 100 देते हैं, 100 दिया तो देखिए ये जो पहले वाइट आ रहा था ये थोड़ा सा क्लियर हुआ है। तो अपन इससे थोड़ी बड़ी वैल्यू 200 दे के देखते हैं। ये देखिए अब जाकर आपका हैच क्लियर हुआ है। इसको और क्लियर करने के लिए अपन इसको 300 देते हैं और एंटर दबाते हैं। अभी देखिए और भी ज़्यादा क्लियर हो चुका है। तो हमेशा हैच में होने पर ये वाली प्रॉब्लम हमेशा लड़कों को आती है, और बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका हैच क्लियर नहीं हो रहा है। ये देखिए अभी 500 दिया, इसको थोड़ा और अपन 700 देते हैं और थोड़ा और क्लियर कर देते हैं। ओके, तो अभी आपका जो हैच है वो क्लियर हो चुका है। तो आपका जो कॉमनली जो डाउट्स था ये था कि कैसे इसको सेट करें। ठीक है, तो अपन अब एक और हैच लेते हैं, और NSET 131 जो है अब एसोसिएटिव ऑन कर कर अपन इसको क्रिएट करते हैं। ओके ओके, तो इस जो ड्राइंग में थी उसमें मैंने एसोसिएटिव ऑफ कर रखा था, और यह जो ड्राइंग है उसमें मैंने एसोसिएटिव ऑन कर रखा है। ओके, अब जो क्लोज कर देते हैं। अब क्या है, रेक्टेंगल पर मैं क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। ये देखिए इसमें जब एसोसिएटिव ऑफ था, अब इसमें जब एसोसिएटिव ऑन था इसको क्लिक करते हैं। ये देखिए जब अपन ने ऑन किया एसोसिएटिव को, जो अपन अंदर का डायग्राम था रेक्टेंगल, इसको जब एक्सटेंड कर रहे हैं तो हैच भी उसी प्रकार एक्सटेंड होता जा रहा है। पर जो ये वाला जो एसोसिएटिव ऑफ था इसको मैंने एक्सटेंड करने को, हैच पिछली बार जहां पर रुका था वहीं पर रुका है। एक्सटेंड करने रेक्टेंगल को एक्सटेंड करने पर भी हैच उसी प्रकार रुका है। अब जो है इस पर क्लिक कर कर मैं एक बार ओरिजिन सेट कर देता हूँ। ओके, तो देखिए हैच क्लिक किया, सेट ओरिजिन लिया। ओके, अब ये देखिए सेट ओरिजिन लेने के लिए ये देखिए
अपन को ये लाइंस यहाँ से शुरू होनी चाहिए, ये सारी इधर उधर है यहाँ से शुरू होनी चाहिए। इसी के लिए अपन सेट टू रीजन करके देखते हैं। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि जो लाइन है वो प्रॉपरली जहाँ पर अपन ने क्लिक किया था सेट ओरिजिन करने के बाद, तो प्रॉपरली वो क्रिएट हो चुकी है। ओके, तो यही है आज की क्लास के लिए, बस इतना ही। कॉमनली जो मिस्टेक थी वो मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।